शुक्रिया अदा कीजिए उनका जो दिल तोड़कर चले जाया करते हैं, शुक्रिया अदा कीजिए उनका जो दिल तोड़कर चले जाया करते हैं, उनकी बेवफाइयों ने ना जाने यहाँ कितनों को कलाकार बना दिया। लिखता हूँ देशभक्ति, राजनीति और इंसानियत। तो कुछ टाइम हुआ थोड़ा बोर कर निकले, लेकिन आज 15 अगस्त है ना, 26 जनवरी और ना आतंकवादी हमला होगा। तो ये कुछ ऐसा है कि ना हिंदू का, ना मुस्लिम का, ना सिख का, ना ईसाई का, ना हिंदू का, ना मुस्लिम का, ना सिख का, ना ईसाई का, हर धर्म का गवाह है, हर किसी का हक ऐसा मेरा हिंदुस्तान का। और एक ये है कि अभी अमृतसर जो हुआ था, उसमें मैंने कुछ लिखा था, उसके बाद बड़े बयान में शायद आप लोगों ने यहाँ नहीं देखा, पर हमारे घर बड़ा बयान भाई चली जाए, उसमें ये था कि हादसा या दुर्घटना कितनी भी दर्दनाक हो मेरे देश में, हादसा या दुर्घटना कितनी भी दर्दनाक हो मेरे देश में, राजनीति चिता की आग को ठंडी नहीं होने देती। और क्या एक ये था कि चंद पलों के लिए अपनी सांसों पर रोक कर देखिए, चंद पलों के लिए अपनी सांसों को रोक कर देखिए, आज़ादी के लिए फांसी चढ़ना इतना आसान नहीं। और ये था कि मतलब यह है कि मंदिर में घंटियाँ हैं पर मस्जिद नहीं, मंदिर में घंटियाँ हैं पर मस्जिद नहीं, चर्च में मोमबत्तियाँ हैं पर गुरुद्वारे में नहीं, इंसान तो हर जगह है पर इंसानियत हर जगह है। और एक बेटी बचाओ चला था बहुत पहले, तो उसमें मैंने कुछ लिखा था कि जिन्हें अपने कल का नहीं पता, वो अपना भविष्य देखकर आज अपने आसियाने में बेटी नहीं चाहते, जिन्हें अपने कल का नहीं पता वो अपना भविष्य देखकर आज अपने आसियाने में बेटी नहीं चाहते। बेवकूफियाँ देखिए इनकी, ये सब कुछ भुगत भर वृद्ध आश्रम की दीवारों पर सहारे बैठे आज अपने बेटों को कोसते। कुछ ऐसा है कि लिखिए कुछ ऐसा जिस पर सभी अमल करें, लिखिए कुछ ऐसा जिस पर सभी अमल करें। अपना प्रत्याशी चुनने को बेशक आज़ाद हैं आप, पर वादा खिलाफी करने पर हटा सके उनसे, ऐसा कोई हक भी अपनी सरकार से मांगी। और पिछले दिनों दिल्ली में हुआ क्या था कि जितने आसपास के गांव के किसान हैं वो दिल्ली आ गए थे, तो उसमें मैंने कुछ लिखा था कि गरीब अब रोटी से ज़्यादा वादों से पेट भरने लगा है, गरीब रोटी से ज़्यादा वादों से पेट भरने लगा है, ये भुखमरी की सिर्फ शुरुआत घर है, ये भुखमरी की सिर्फ शुरुआत घर है, अन्नदाता खेत छोड़ दिल्ली आ चुका है। थैंक यू।